हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉल्कन ब्लॉक्स में। तो आशा करता हूँ आप भी सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज तारीख है जो 31 जुलाई, और जो समय हो रहा है 11:30 के आसपास हो रहा है। तो आज घर से भी हम लेट ही निकले हैं, क्योंकि आज मन नहीं था जल्दी निकलने का, क्योंकि कल संडे था। तो कल देर तक काम किया, लगभग रात को पहुँचते पहुँचते 8 बज गए थे घर, 8:30 बजे। तो आज महीने का वैसे भी आखिरी दिन है, 31 जुलाई है, और मंडे का दिन है। मंडे को मार्केट भी काफ़ी हद तक बंद रहती है, पता नहीं हर शहर का अलग अलग हिसाब है। हमारे यहाँ मंडे को काफ़ी हद तक बाज़ार भी बंद रहते हैं, तो आज काम भी थोड़ा डाउन रहेगा। तो आज घर से भी लेट निकले हैं। चलो देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा, कैसा काम रहेगा, जो भी रहेगा आपको बीच में समय समय में करेंगे अपडेट। तो चलते हैं लुधियाना स्टेशन की ओर, घर से निकल चुके हैं काम के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हम लुधियाना स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, तो अब देखते हैं यहाँ से किधर की सवारी मिलती है, कितने का आज काम होता है, क्योंकि काम भी लगभग जो टाइम हो रहा है 12:30-1 के आसपास हो रहे हैं, आज बहुत लेट हो गए हैं। और मैं आया हूँ लुधियाना स्टेशन, पहुँचा हूँ सिर्फ 50 रुपये में, अभी 50 रुपये की बोनी की है। और अब देखते हैं, खड़े हैं लुधियाना स्टेशन पर, अब सवारी मिलती है कि नहीं मिलती है, किधर की मिलती है। अब जैसा भी रहेगा आज पूरे दिन काम, जितना भी रहेगा, 2 घंटे का 3 घंटे का 4 घंटे का, वो आपको आज बताते रहेंगे। क्योंकि आज आपको बताया था कि मार्केट भी बंद है, और मंडे को लगभग जो मेन मेन बाज़ार होता है, जैसे कपड़े के हो गए या कुछ मोबाइल की मार्केट हो गई या कुछ हो गई, मार्केट थोड़ी बहुत बंद रहती है मंडे को। और वैसे भी महीने का आखिरी दिन है, तो वैसे भी मोस्टली मार्केट आज बंद ही रहेगी। तो देखते हैं, बाकी अभी इस टाइम ट्रेनें वगैरह भी प्रॉपर आ नहीं रही है। आपको बताया था लास्ट टाइम कि लुधियाना स्टेशन बंद हो चुके हैं, जिस वजह से कुछ ट्रेनें लुधियाना स्टेशन आ रही है और कुछ ट्रेनें लुधियाना से बाहर आउटर में रुक रही है, टंडारी स्टेशन। तो इस वजह से भी काम अभी प्रॉपर चल नहीं रहा है, सवारी भी प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो देखते हैं भाई, जैसा रहेगा करेंगे, जो भी है जो ऊपर वाला दे देगा ले जाएंगे घर। और क्या क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है, चाहे हंस के करें चाहे रो के करें, काम तो करना ही है जी, घर बैठ के भी गुजारा नहीं है। देखते हैं, चलो देखते हैं, ढूंढते हैं सवारी ढूंढते हैं, जैसा भी रहेगा काम, जो भी रहेगा आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे थोड़ी देर तक। अब सवारी ढूंढते हैं, चलते हैं इधर उधर, थोड़ा घूमते हैं, गाड़ी घुमाते हैं, क्या पता कोई सवारी मिल जाए, कोई सालम मिल जाए या शेयरिंग में मिल जाए, जो भी रहेगा करेंगे अपडेट। तो चलते हैं इधर उधर घुमाते हैं गाड़ी को, ठीक है जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस, जब मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, उस टाइम मैं लुधियाना स्टेशन पे था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं पैसेंजर मतलब सवारी ढूंढते हैं, देखते हैं किधर की मिलती है। तो आज मैं आपको बताऊं तो कुछ ज़्यादा खास काम नहीं हुआ है। जो हमें पहली एक सवारी मिली वो मिली जी 50 रुपये की शेयरिंग की, वो लगाई। उसके बाद एक 200 रुपये की बुकिंग मारी प्राइवेट में, 250 रुपये का काम हुआ। तो उस टाइम अब उसके बाद खड़े रहे काफ़ी देर तक खड़े रहे वहाँ पे, अपने यार मित्र आ गए थे उनके साथ बातें वगैरह करते रहे, सवारी तो कोई थी नहीं, मिल नहीं रही थी और काम भी नहीं था। तो काफ़ी देर खड़े होने के बाद 4:30-4 के आसपास हमें फिर एक और अपना क्या कहते हैं 150 रुपये की सवारी मिली लुधियाना स्टेशन से पवेलियन की, वो छोड़ी। वो छोड़ने के बाद अब हम वापस घर की ओर जा रहे हैं जी, रस्ते में हैं, रुका हूँ साइड में, मैंने सोचा जाने से पहले एक बार आपको अपडेट कर दें। तो अगर आज के काम की बात करें 6 घंटे में, मतलब 11:30-12 बजे के आसपास काम शुरू किया, तब 6:30 हो रहे हैं, तो वही 5.5-6 घंटे में जो आज की अर्निंग रही है वो रही है सिर्फ तो सिर्फ अपना क्या कहते हैं भाई, सिर्फ 400 रुपये की, 250, 50, 150। तो आज सिर्फ 400 रुपये का काम किया है, जिसकी गैस हमारे पास गाड़ी में पड़ी थी, हमने आज गैस तो कोई डलवाई नहीं गाड़ी में, पर आज जो यही इनकम हुआ है, क्योंकि आज आपको मैंने बताया भी था कि महीने का आखिरी दिन है और मार्केट भी काफ़ी बंद है, और उस वजह से काम भी कुछ नहीं, ट्रेनें भी कुछ खास नहीं आई, बसें भी इस टाइम खाली आ रही हैं बस स्टैंड पर, या जो बाईपास वगैरह बने हैं वहाँ भी बसों में भी सवारी बहुत कम आ रही है। तो आज काम बहुत ज़्यादा डाउन था, अब मेरा मन भी नहीं कर रहा गाड़ी चलाने का, और ऊपर से गर्मी बहुत हो रखी है जी, हुमस बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में भी, क्या कर सकते भाई। अब 400 है, 400 लेके घर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू भी नहीं है, कोई बात नहीं, कभी कम ज़्यादा तो लगा ही रहेगा, ये तो चलता रहता है जीवन में, तो सब है। तो आज यही था 4-5 घंटे के, मतलब लगा लो कि 4.5-5 घंटे में आज सिर्फ जो हमने कमाया वो कमाया सिर्फ 400 रुपये, गैस हमारी गाड़ी में पड़ी थी, आज हमने गैस डलवाई नहीं, तो घर की ओर जा रहे हैं। तो ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आपके लिए हम दुआ करते हैं, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।